हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ JNM नर्सिंग गर्ल्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो डियर, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली आप सभी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो प्लीज़ आप लोग भी रेडी हो जाइए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कीजिए, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसका ओनली फॉर अब रिविज़न करना, आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का जितने भी पढ़े हो सारे का रिविज़न कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिस में क्या है। ओके, चलिए। ओके डियर, तो डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या नोटिस में दिया गया है। तो डियर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग का जो ऑनलाइन रजिस्टर का जो क्लोजिंग डेट था ना डियर, 16/5/2023, बट इसका डेट जो है बढ़ गया है। तो अब आप लोग जो है 22/5/2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से। तो इसका भी डेट बढ़ गया है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, नीचे है अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड। तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड है डियर, वो 14/6, ठीक है, 2023 को आप सभी का ऑनलाइन आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा 14/6/2023 को। ओके, अब बात करते हैं आप लोग के एग्ज़ाम का। तो पॉलिटेक्निक वाले का एग्ज़ाम जो है वो 24/6/2023 को होगा, और पीएम और पीएमएम मतलब पारा मेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल और पारा मेडिकल जो मैट्रिक लेवल पे होता है, वो सभी का एग्ज़ाम 25/6/2023 को हो जाएगा। तो आप लोग का डेट आ गया, बट ये पोस्टपोन हो सकता है डियर, क्योंकि नेक्स्ट बार भी ना डेट पोस्टपोन हुआ। तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है डायरेक्टली कि प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अगर बढ़ेगा अभी तो बहुत जल्दी फिर न्यू लिस्ट जारी हो जाएगा और आप लोग का एग्ज़ाम फिर से अच्छे से हो जाएगा। तो डियर, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है। देखिए, जूम कर रही हूँ मैं, तो आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो, एक मिनट, आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 14/6/2023 को। और आप लोग एग्ज़ाम का डेट आप लोग पैरामेडिकल का और पैरामेडिकल मैट्रिक का देख सकते हो, 25/6/2023 है, और पॉलिटेक्निक वाले का 24 को हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है डियर। तो आप लोग अब रिवीजन कीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कीजिए और डेली एक सेट लगाइए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ और अभी से आप लोग को मैं बहुत पहले से बता रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब ओनली फॉर रिवीजन कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो और डेली एक सेट लगाइए। टाइम आप लोग के एग्ज़ाम में कितने रहते हैं डियर, आप लोग को पता ही है ना, 2 घंटा और 15 मिनट का रहता है। तो ये टाइम देख के आप लोग क्या कीजिए, घर में ही मतलब एक रूम में बैठ जाइए और सोचिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में हैं। तो फिर इससे क्या होगा ना, आपका हैबिट बन जाएगा, ताकि आप लोग टाइम को अच्छे से मैनेज कर लोगे। तो अब बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, तो बहुत ही जल्द आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। जो जैसे मैनेज करेंगे उनको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूज़ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, मैं फिर से बोलूँगी, अब प्लीज़ आप लोग ओनली फॉर रिवीजन कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारे का, और सेट प्लीज़ सेट एक सेट लगाइए पूरे 90 क्वेश्चन का, और ओनली फॉर अब रिवीजन कीजिए जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े थे। अब रिवीजन का टाइम है डियर, क्योंकि अगर रिवीजन अच्छे से नहीं रहेगा तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाके कंफ्यूज कर जाओगे। तो प्लीज़ अब रिवीजन कीजिए ओनली। तो आप लोग देख ही लिए होंगे ना, तो फिर अगर आप लोग और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से सारे नोटिस को रीड डाउन कर सकते हो, जो भी हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।